आपके साथ भी कर सकता हूँ, तो आप उसको एक टेस्ट सीरीज के तौर पे, एक तो डेमो वाला 25 क्वेश्चन का देके भी रखा हूँ लिंक। तो अच्छा लगा, इस बहाने हमारा जो रिवीजन क्वेश्चंस है पिछले प्रीवियस ईयर वो भी हो जाएगा, और जितने क्वेश्चंस ये सिंगल वर्ड वाले हैं वो भी हो जाएगा। तो एक प्रोविजन और आ गया होते होते। Excuse me, sir, उसका टाइम नाइट में ही रहेगा क्या? कब करें बताइए, वही तो मुझे तो जो समझने में फीडबैक मांगा हूँ, समय कहाँ दिख रहा था, दिख ही नहीं रहा है उसके अलावा कोई समय। दिन में कर नहीं सकते हैं, दिन में हम लोग काम करिएगा कि टेस्ट लीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, ऑप्शन नहीं है। शाम को जो 6 से 6 जी जी रात में ही सही है सर। मैं वही देख रहा था, जो 6 से 8 का अपना समय है शाम का, वो सबको इंगेज रहता है, सब बाल बुकरू वाले हैं, किसी को सब्जी लाना है, किसी को कुछ करना है, इंक्लूडिंग मी भी, ढेर सारे काम रहते हैं। 8 से 10 के बीच में जी तो 8 से 10 के बीच में हमारा आपका ये इंट्रेक्शन क्लास कुछ ना कुछ रहता ही है, उसके अलावा 2 रोटी भी खाना है। तो समय में देखा तो 10 से 11 के अलावा दिख ही नहीं रहा था कोई, तो सोचे चलो इसी को डाल देते हैं, जिनको देना है वो रात को ही पढ़ते हैं, नौकरी वाला लोग को दिन में समय कहाँ है, नॉर्मल एजुकेशन की समय तो नहीं है कभी भी। हाँ संडे को हम लोग नीचे कर सकते हैं, कर लेंगे, एक दिन रखेंगे एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस वाली, और दूसरे दिन रखेंगे अपना जो ब्रांच टेक्निकल है। टेक्निकल में मैंने एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस पे, एक तो सबका कॉमन हो गया, टेक्निकल में मैंने एसएनटी का एक पेपर कर दिया, एक एओएम के लिए भी पेपर कर दिया हूँ, एक एएम के लिए भी कर दिया हूँ, और बाकी जेई सिग्नल जो टेक्नीशियन से आते हैं, जेई टैली और जेई पीवे, इनके 6 अलग है, तो जिनको जिनमें आना है वो इसमें आएंगे, और ये सबके लिए कॉमन है। कोशिश करते हैं कुछ नया फिर हो गया, एक देखा जाएगा। सर उसको एनरोल 1 by 1 करना है, कैसे करना है वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं देख रही थी तो। नहीं, जैसा तो वो कैप्सूल कोर्स है, सेम टाइप से तो फॉर्म डिजाइन करने की कोशिश किया हूँ। जैसे मान लिया जाए कि किसी को लेना है एसएनटी वाली एएचटी वाली, तो वहां जाएंगे, ड्रॉप आउट मेन्यू है, उस मेन्यू में गया, 10 टेस्ट लेना है तो 50 रुपीज टेस्ट मैंने कर दिया हूँ, वो 500 रुपया देंगे और सबमिट कर देंगे। उसके नीचे मैं लिखने का ऑप्शन दे दिया हूँ, भैया लिख दीजिए टेस्ट नंबर, वही लिखा हो जिनको 10 लेना है वहां पर लिख देंगे फॉर 10 टेस्ट, जो उनसे अधिक वाला है उतना करके लिख देंगे फॉर उतना टेस्ट। तो मैं क्या करूंगा, उनके जीमेल को उनके टेस्ट के वाइज एक ग्रुप में लिख दूंगा, और जिस समय लिंक जनरेट करेंगे ये सारे जीमेल को एक्सेस दे देंगे, तो 1 घंटा का एक्सेस मिल जाएगा, वो तो 24 आवर एक्सेस रहेगा नहीं। कुछ कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है इसमें बहुत सारी भी गलतियां और सुधार होगी, नए चीज में कुछ दिन लग जाता है, तो देखते हैं। तो एक ये नया चीज, इससे क्या होगा कि सबसे बढ़िया कि रिवीजन का फायदा मिल जाएगा, और मेरा जो मोटो है इसमें, एक तो प्रीवियस ईयर नायर के पूछे हुए सारे क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कोई इसमें इंक्लूड करेंगे, उसके अलावा जितने मेरे पास हैं पीपीटी से या अपने पढ़ने के हिसाब से या और भी क्वेश्चन बैंक के हिसाब से, रिसेट मॉड्यूल के हिसाब से जो पूछा जाने वाला चीज है, मैक्सिमम वही रहेगी, बट मैक्सिमम चांस रहेगा प्रीवियस ईयर, जितने टाइप के प्रीवियस ईयर मेरे पास बैंक हैं वहां से उसको मैं डाल दे रहा हूँ। थोड़ा मेहनत बढ़ गया फिर, पर देखते हैं, अभी मुझे याद करने में समय लगाना चाहिए था, फिर कहीं और घुस गया, देखते तो फायदा हो जाएगा हमारे लिए भी, क्योंकि उस टेस्ट में हम भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो कम से कम 30-40 क्वेश्चन पेपर अभी से एग्जाम तक में बना लेंगे, तो हो सकता है उससे थोड़ी मेरी जो डाटा का यदि गड़बड़ हो रहा है वो फायदा हो जाए, तो अपना भी स्वार्थ दिखा इसलिए थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, ये उससे मेरा भी डाटा हम भी उस टेस्ट को देंगे तो फायदा हो जाए। चलिए बाकी जो उसमें सुझाव या फीडबैक हो दीजिएगा जरूर, क्योंकि करेक्शन या कुछ क्वालिटी चेंज तभी होगी जब बाकी सबों से कुछ फीडबैक या सुझाव मिलेगा, क्योंकि अभी जो मैं कर रहा हूं सिर्फ मेरा सोचना है, बाकी सबके भी इंटरेस्ट आएंगे तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ सुधार भी कर लेंगे उसमें। बाकी टेक्नोलॉजी जितना सपोर्ट करेगा और जितना मुझे आएगा, अभी तो सब टेक्निकल चीजें हैं, अपने मन से तो कुछ हो नहीं रहा। सर जो लिंक का एक्सेस देंगे तो सर मान लीजिए 10 से 11 देंगे, 10 से 11 ही कर पाएंगे, तो हम 11 से 12 भी कर सकते हैं उसे? नहीं कर पाएंगे ना, वो तो खत्म हो जाएगी बिल्कुल, बिल्कुल नायर जैसा रहेगा, जितने बजे आपको लिंक दिया आपके टाइम पीरियड में लिंक एक्सेस शुरू होगी और टाइम पे लिंक खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप उसको नहीं देख पाएंगे, और जैसे ही सबमिट करेंगे आपके आंसर शीट आपके पास मेल में आ जाएगा।
आप सबमिट, इधर सबमिट करेंगे उधर मेल में आ जाएगा कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया। सिर्फ निगेटिव मार्केट का इवेल्युएशन अपने से करना होगा, क्योंकि निगेटिव मार्क जो है वो इवेल्युएशन करके मेल भेजने के लिए फिर मुझे मेहनत करना पड़ेगा, तो उससे मैं बच रहा हूँ। आपको सही गलत मिल जाएगा, निगेटिव जो 1/3 करना है वो अपने से इवेल्युएट करना पड़ेगा सर। बाकी बिल्कुल सिंपल, आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपको पहुंच जाएगा, मेन्यू में क्लिक करना है और सबमिट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मेरा जो मेहनत है वो सिर्फ क्वेश्चन पेपर रेडी करके, वो जो टेस्ट सीट है उसको सिर्फ रेडी करने में, उसके बाद मेरा मेहनत कुछ नहीं है। मैं सिर्फ जिस समय एग्जाम शुरू होगी उस समय आपको लिंक जनरेट कर दूंगा और शेयर कर देंगे। सेंटी में कितने 85 क्वेश्चंस रहेंगे? नहीं, 1 घंटा में 60 रख रहे हैं, 85 अधिक हो जाएगा, लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट पर क्वेश्चन तो देना पड़ेगा ना। ओके सर। और टेस्ट ड्यूरेशन 1 घंटा है तो 60 ही दे सकते हैं, तो एसएनटी में मैं बांट दे रहा हूँ, 30 सिग्नल 30 टेली, तो ये 60 क्वेश्चन हो गए आपके। और इस्टेब्लिशमेंट में बांट दे रहा हूँ 60 क्वेश्चन को, आपका इस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंस और ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का 12 क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, ये भी लगभग 10 से 12, 24 और 15 16 क्वेश्चन, 25 26 क्वेश्चन इस्टेब्लिशमेंट, टोटल मिला के 60 हो जाएंगे। इस हिसाब से इसको कर दे रहे हैं, तो एक समराइज के रूप से मतलब बैलेंसिंग बन जाएगा। और जो मैक्सिमम फोकस रहेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप मतलब जितने टाइप के प्रीवियस ईयर, नॉट नायर, रेलवे में पूछा हुआ जितने टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी तक हमारे पास कंप्यूटर में पड़े हुए, सबको एक जगह ले आया हूँ, वहां से इधर डालूंगा कि वो जो भी क्वेश्चन होगा वो आज नहीं तो कल प्रीवियस में कभी ना कभी पूछा रेलवे ने। उसके साथ में एसएनटी के लिए इनिसेट के जो चीजें आज तक कलेक्टिव है पड़े हुए उसको पकड़ेंगे, तो देखते हैं कितना कर सकते हैं। बाकी दो एक दो टेस्ट में आप लोग के भी फीडबैक आ जाएंगे तो उस हिसाब से भी चेंजिंग आ जाएगा कुछ ना कुछ। एक प्रयास है।